नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिंदगी में पहली बार मेरे बेटे को कोई लड़की पसंद आई है, अब उससे भी इजहार न कर पाया तो कभी नहीं होगी इसकी शादी। पर दीदी, आजकल सरगम और वो काफी मिलने जुलने लगे हैं, काफी अच्छी दोस्ती हो गई है दोनों के बीच। हाँ, लेकिन जब देखो दोनों सिर्फ केस के बारे में ही तो बात ही करते रहते हैं ना। हाँ वो तो है, लेकिन उनकी दोस्ती को प्यार में बदलने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। रतन, तुम जल्दी से जाकर सरगम की कुछ तस्वीरें और पोस्टर खरीद कर ले आओ, मैं सरगम को फोन करती हूँ। लेकिन दीदी, सरगम को सरगम के ही पोस्टर्स दिखाकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने सोचा है तो जरूर बहुत कुछ कर सकते हैं। न जाने कहाँ कहाँ से जमा करके तुम्हारी सारी तस्वीरें अपने कमरे में सजा दी। देखो राज ने, नहीं तो क्या मैंने और तस्वीरें क्या, यहाँ देखो सब तुम्हारे कैसेट्स, ये सारी सीडीज भी तुम्हारी। मेरा बेटा तो बड़ा फैन हो गया भाई तुम्हारा। पता है, मुझे तो लगता था राज बड़े सीरियस किस्म के इंसान हैं और म्यूजिक से तो उनका दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं। हाँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहले तो सिर्फ कानून की किताबें पढ़ा करता था, अब तुम्हारे गाने सुनते रहता है। और तुम्हारे गाने है ना, उसे मुँह ज़बानी याद है, वर्ड टू वर्ड याद है। really? हाँ। अरे मामा जी, सरगम आई है? नहीं तो तो बाहर जो गाड़ी खड़ी है वो किसकी है? ऊपर है। हाय सरगम। हाय राज, आओ बेटा आओ। अरे क्या सोच क्या रहा है, आजा आजा। कैसी हो माँ? क्या है ये सब चक्कर? चाय चाय चाहिए ना, मैं अभी लाती हूँ, बस अभी। आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। छुपा रुस्तम? ऑफ कोर्स, कभी मुझे बताया क्यों नहीं कि आपको मेरे गाने इतने पसंद हैं? अच्छा ये बताइए, मेरे सारे गानों में से आपका फेवरेट कौन सा है? वही जो सबसे बड़ा हिट गाना है ना। कौन सा? अरे वही वो जिसमें प्यार और इश्क वाली बात है ना। That one. Oh, वो तो मुझे भी बहुत पसंद है, गा के सुनाइए ना। मैं? Yeah, क्यों? Please? मैं थोड़ी गा सकता हूँ सर का। Please, 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 please. अरे नहीं, मुझे गाना नहीं आता। बनिए मत, मुझे मम्मी ने सब कुछ बता दिया है कि आप बहुत ही अच्छा और सुर में गाते हैं। प्लीज। अच्छा, माँ ने ये भी बता दिया? Of course. दरवाजे से खुला था। याना, हाँ ना बेटी, हाँ ना ना। हाय आंटी, सरगम कहाँ है? वो चली गई। दीदी? चली गई। चली गई, लेकिन उसकी कार तो बाहर है। अब बताओ। कार तो बाहर ही होगी ना, वो राज के साथ चली गई बेटी। राज के साथ? कमाल है, उसने मुझे यहाँ पर बुलाया और अब घर पे बुलाया। घर पे बुलाया? हाँ, गाड़ी लेकर। गाड़ी लेकर? हाँ, फौरन अभी इसी वक्त गाड़ी लेकर। I'm sure कोई जरूरी काम होगा। हाँ बहुत जरूरी काम है। ओके। देखो अब तो तुम्हें जाना है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब तुम आओगी ना, चाहे तुम्हें जितनी भी जल्दी हो, मैं तुम्हें चाय पिलाए बगैर नहीं जाने दूंगी। ओके, थैंक यू, थैंक यू, बाय। दीदी, ये आपने क्या किया? सरगम ऊपर है और कार भिजवा दी। अगर ये उसकी कार नहीं ले जाएगी तो राज उसे घर छोड़ने कैसे जाएगा? क्या क्या बात है दीदी, क्या? आजा आजा। अगर राज नहीं गया तो? हे, वो देखो वहां पर मेला लगा हुआ है। पता है राज, हाँ। बचपन में ना मुझे मेले में जाना बहुत पसंद था। अच्छा? In fact, I was crazy about it. और मन तो आज भी करता है जब भी मेला देखती हूँ कि बस चली जाऊं, मगर क्या करूं। पता है राज, तरंग के बाबूजी थे ना, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। गांव में जब भी कभी मेला लगता वो मुझे अपने साथ जरूर ले जाते। ये मेले में क्यों ले आए तुम? जो दिल में हो कभी कभी कर लेना चाहिए। नहीं राज, बहुत भीड़ लग जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा भारव। अरे देखना, ये सरगम है। सरगम दिखती है तेरे को? वैसी लगती है, सरगम नहीं है। अरे ये तो कोई डुप्लीकेट है यार। Thank you.
अति उत्तम, बहुत अच्छा समय है प्रेम के लिए। आपके जीवन में प्यार आने ही वाला है, शायद वो आपके आसपास ही हो। पहचानिए और जिंदगी के इस खूबसूरत एहसास को महसूस कीजिए। धन्यवाद। अच्छा तरंग, कुछ सरगम के बारे में बताओ। सरगम? हाँ, वो बता रही थी कि तुम दोनों बचपन के साथी हो, साथ साथ खेले कूदे पले बढ़े, यहाँ तक कि संगीत का पहला सुर भी साथ ही सीखा। हाँ मैडम, मैं बांसुरी बजाता था और वो नाचती थी। आजा 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 पास बेटा, खूब जोड़ी है दोनों की। भाई बद्री, मन्ने तो ये लागे है कि थारी छोरी और मारा छोरा दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। भाई मारो तो काम आसान हो गयो, अब ब्याह के लिए छोरा ढूंढने की जरूरत कोनी। क्यों तरंग, बनेगा मेरा जमाई, करेगा मेरी सरगम से ब्याह? अरे बोलना क्या पूछ रहे चाचा। फिर अलग होना पड़ा हम दोनों को। शहर में उसके पिताजी की नौकरी लग गई थी। ओह, तब तो तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। फिर क्या किया तुमने? अरे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे बेटा। यो के कह रही है? ये कह रही है कि ये चली गई तो फिर ब्याह किसके साथ करेगा? अरे थारा ब्याह सरगम के साथ ही होवेगा, पहले बड़ा तो हो जा। अरे जा भाई, चल चल यार, तेरी गाड़ी निकल गई तो घणो चक्कर पड़ जावेगो। मैं पहुंच के चिट्ठी लिखूंगा। हाँ हाँ, पहुंच के राजी खुशी की खबर दे दिए। अरे रोवा के है बावड़ा? रोवे नहीं तो के करे, एक सरगमी तो दोस्त थी मारे छोरा की। अरे बेटा, जद पुराने दोस्त बिछड़े हैं तभी नए बने हैं। फिर मेरा कोई नया दोस्त बना ही नहीं, बस चिट्ठियों में बातें होती रही। धीरे धीरे वो भी बंद हो गई। शहर छोड़ के कहीं और चले गए थे वो लोग। फिर सरगम से दोबारा मुलाकात कैसी हुई? सिंगर बनने के लिए स्ट्रगल कर रही थी सरगम, मैगजीन में उसका छोटा सा इंटरव्यू छपा था, उसे अपना गांव याद था। बस उसके गांव का साथी पहुंच गया उसके शहर। तरंग, oh my god, I can't believe this. याना, याना, ये तरंग है मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरे बचपन का साथी। फिर दिन के चारों पहर हम साथ रहने लगे, बातें खत्म नहीं होती थी उसकी, कब सुबह से शाम हो जाती पता ही नहीं चलता। एक दिन कहने लगी, तुम्हारी आवाज सुनती हूँ तो खो सी जाती हूँ, ऐसा लगता है कि मुझे तो गाना बिल्कुल आता ही नहीं। तरंग, तरंग मुझे भी गाना सिखा दो ना प्लीज। वजह, मकसद, कारण, मोटिव, चार बार यंग जीनियस लॉयर ने ये पॉइंट उठाया और चारों बार कोर्ट एडजर्न हो गई। आज मैं वजह बताऊंगा। ये डायरी आपकी है? मैंने पूछा ये डायरी आपकी है? जी। गुड। म्यूजिकल नोट्स, संगीत की भाषा, संगीत आपका है? मैं पूछ रहा हूं, संगीत आपका है? जी। और ये जो गाने हैं ये आपने लिखे? इन सीडीज में जो गाने हैं वही गाने उस डायरी में भी लिखे हैं ना? लेकिन
म्यूजिक डायरेक्टर का नाम अभिजीत मेहता। आपका नाम क्यों नहीं है? जवाब दीजिए, आपका नाम क्यों नहीं है? काम आपका, नाम किसी और का, क्या बात है ये? हैं? मैं बताता हूं योर ऑनर, दरअसल पिछले 2 सालों से संगीत की दुनिया में धूम मचाने वाले अभिजीत के गाने अभिजीत के नहीं बल्कि तरंग भरद्वाज के हैं योर ऑनर, तरंग भरद्वाज के हैं। सिर्फ 50,000 रुपयों के लिए तरंग ने अपना सारा संगीत बेच दिया। अश्विन मेहता की स्काई ऑडियो कंपनी आसमान की बुलंदी पर पहुंच गई, एक फ्लॉप म्यूजिक डायरेक्टर का घर अवार्ड से भर गया, लेकिन बेचारा तरंग वहीं का वहीं रह गया योर ऑनर। बस यहीं से शुरू हुई जलन एक कलाकार के मन में। वो झगड़ा करने पहुंच गया, इल्जाम लगाने लगा कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ चंद गाने बेचे थे, लेकिन तुम लोगों ने मेरे सारे के सारे गाने चोरी कर लिए। उससे के मारे पागल हो उठा तरंग, अब उसे रुपए नहीं नाम चाहिए था, नाम। कहने लगा, एक दिन तुम खुद अपने मुंह से कहोगे ये सारा संगीत मेरा है। देखिए आज हम खुद कह रहे हैं ये सारा संगीत तरंग का है। अभिजीत मेहता ने अपने भाई के कातिल को सजा दिलवाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। उसने अपना करियर, अपना नाम, अपनी शौहरत, सब कुछ अपने हाथों से मिट्टी में मिला दिया, सिर्फ इंसाफ के लिए योर ऑनर, सिर्फ इंसाफ के लिए। क्या इरादा है? जिंदगी प्यारी नहीं है? फांसी के फंदे पर लटकना चाहते हो तुम? सारे गवाह, सारे सबूत तुम्हें मुजरिम साबित कर रहे हैं। हर कोई समझता है कि यूर अ क्रूर मर्डरर। सिर्फ एक मैं हूं जिसे तुम पर विश्वास है, और तुमने मुझसे यह बात छुपाई कि वह सारा संगीत तुम्हारा था। व्हाई द हेल डिड यू टेल मी? उन्होंने मुझसे वादा लिया था, बदनामी होती उनकी। अगर आप पूछते तो आपसे झूठ थोड़ी बोलता। इस केस में सिर्फ एक कमी थी, मोटिव, और ये लोग इसे मोटिव बता रहे हैं, तुम्हारे कत्ल करने का मकसद। संगीत की दुनिया में चोरियां तो होती रहती है, कभी रीमेक्स के नाम पर तो कभी इंस्पिरेशन के नाम पर, लेकिन इसके लिए कोई खून कर देता है क्या? मैं मानता हूं मैं वहां गया था, लेकिन झगड़ा करने नहीं, ये जानने कि अगर सेठ जी इतने अच्छे आदमी हैं, तो उन्होंने मेरे साथ धोखा क्यों किया? मैं बहुत शर्मिंदा हूं तरंग, मुझसे बिना पूछे अभिजीत ने ये सब किया। अब क्या करूं? आखिर छोटा भाई है मेरा, और उसके भी करियर का सवाल है। मगर सेठ जी, मैं वादा करता हूं तरंग, अगला एल्बम मैं तुम्हारे साथ रिकॉर्ड करूंगा, तुम्हारे नाम के साथ। दैट्स अ प्रॉमिस। ये लो, टेक इट, अपने लिए घर का इंतजाम कर लेना। मैंने सोचा कि एक बार यहां रहने का ठिकाना हो जाए तो संगीत तो मेरे खून में है। अगर बाबूजी का आशीर्वाद रहा और मां सरस्वती की दया, तो और बना लूंगा गाने। मैं सच कह रहा हूं राज, मैंने खून नहीं किया। तुम्हारी जिंदगी और मौत के बीच अगर कोई है तो वो मैं हूं। मुझसे इस तरह बातें छुपाते रहोगे तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए, समझ रहे हो ना? राज, मुझे फांसी तो नहीं होगी ना? डोंट वरी, मैं हूं ना। हा
हम लोग ये केस जीत तो जाएंगे ना राज? हारना तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता सरगम, क्योंकि अब सवाल सिर्फ मेरी इज्जत का नहीं, तरंग की जिंदगी का है। मैं अपनी जान लगा दूंगा पर उसे इंसाफ दिला कर ही रहूंगा। मुझे बहुत खुशी हुई राज कि तुम जैसे अच्छे इंसान से मेरी दोस्ती हुई। आज तरंग का दुख मैं तुम्हारी आंखों में देख रही हूं और तुमने तो उसके लिए अपनी फीस तक नहीं ली। फीस तो मैंने तुम्हारे लिए नहीं ली सरगम। मेरे लिए? हाँ, तुमसे दोस्ती जो हो गई और एक दोस्त होने के नाते मेरी एक परेशानी में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। परेशानी? और तुम्हें? दरअसल ये जो प्यार इश्क होता है ना, उसे आज तक बहुत बेकार की चीज समझता था मैं। लेकिन किसी से मिलने के बाद पहली बार मैंने जाना कि दुनिया में अगर सबसे प्यारी कोई चीज है तो वो है प्यार। प्यार के बिना ये सब नाम, शौहरत, दौलत, इज्जत सब बेकार है। तो इसमें परेशानी क्या है? उससे अभी तक इजहार नहीं किया है। तो कह क्यों नहीं देते? इनकार से डर लगता है। लेकिन इजहार के बगैर पता कैसे चलेगा? अच्छा मान लो अगर मैंने उसे कह दिया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मुझसे प्यार करती या नहीं? अगर वो शर्माती है तो मतलब हाँ, और अगर वो रूठ कर चली जाती है तो मतलब ना। कह दूं उसे? अच्छा हेलो, हाय, मैं बोल रहा हूँ, कैसी हो? हेलो सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हेलो, आई लव यू सरगम। तुमने अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सरगम से प्यार करते हो तुम? तरंग, कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। क्या हम इस बारे में बाद में बात कर? मेरा सवाल इतना मुश्किल तो नहीं है? क्या बात है? मेरे सर में दर्द है। अच्छा, अच्छा तो सिर्फ इतना बता दूं कि क्या सरगम ने कभी तुमसे कहा कि वो तुमसे प्यार करती है? बोलो। इसमें बोलने की क्या जरूरत है? प्यार जाहिर नहीं किया जाता, महसूस किया जाता है। ओहो, तो तुमने महसूस किया है कि वो तुमसे प्यार करती है? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। पर क्यों? कहा ना, मेरे सर में दर्द है। सो तरंग साहब, और क्या क्या महसूस करते हो? चुप साली! बकवास करती हरामखोर, चीर के रख दूंगा। बहुत कैंची की तरह चलती है तेरी जुबान, कैंची से ही काट दूंगा। हेलो डॉक्टर। जिसका मुझे डर था वही हुआ। तरंग स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार है। स्प्लिट पर्सनालिटी? हाँ, एक ही इंसान के बिल्कुल दो अलग रूप। तरंग ने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, बहुत बेइज्जती सही है, लेकिन उसकी अच्छाई ने कभी उसे रिएक्ट नहीं करने दिया। गुस्से को अपने ही अंदर दबाए रखा,
जिसकी वजह से उसके अंदर एक दूसरी पर्सनालिटी ने जन्म ले लिया है। उसकी हल्की सी झलक मैंने अभी अभी देखी है, जो बहुत फिजिकल है, काफी वायलेंट है। इस हालत में कब किसके साथ क्या सलूक करेगा उसे खुद नहीं पता। राज, राज बहुत जरूरी बात, सुनो अंदर मत जाना। राज लाया मकार धोखेबाज। राज तुमने झूठ बोला मुझसे कि तुम बेगुनाह हो। राज, राज ए नौटंकी, बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा। बोल बोल क्या खून तूने किया है, बोल। ए क्या देख रहे हो, मेरी तरफ देखो। देख तरह मैं जानता हूं तू जानता है सच्चाई क्या है। अब मैं तेरी जुबान से सुनना चाहता हूं, बोल बोल। राज मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। झूठ, यारा लाया, यारा कॉल्ड ब्लडेड मर्डर। नहीं, और मैं एक मुस्लिम को निर्दोष साबित कर रहा हूं, पहली बार जिंदगी में एक झूठा केस लड़ रहा हूं मैं। नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तूने सोच समझ कर पूरे होशोहवास में खून किया है। नहीं मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। झूठे हो, कातिल हो, गुनहगार हो तुम। चुप। अब क्या चाहिए तुझे तरंग, जब देखो बच्चों की तरह रोता हुआ चला आता है मेरे पास। कोई इज्जत विज्जत है कि नहीं तेरी? कौन है बेतू? कौन है तू? तरंग का वकील है ना तू? बहुत चिल्लाता है उस पर, डराता है उसे। आज के बाद उसे डराया या धमकाया तो चीर के रख दूंगा। सॉरी। लेकिन आपने बताया नहीं कि आप कौन हैं? ओह सॉरी, रंजीत, तरंग का दोस्त। मेरी मदद के बिना कुछ नहीं कर सकता वो। मतलब मिस्टर मेहता का खून तरंग ने नहीं किया? तरंग तरंग वो जो ठीक से बात नहीं कर सकता वो खून करेगा, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। अच्छा तो ये खून तुमने किया है? ओह माय गॉड। लेकिन क्यों? कुत्ती है साली दुनिया, गरीबों और मासूमों को कुचलती है। सारा संगीत चोरी कर लिया उस बेचारे का। एक दिन आया मेरे पास, मैंने बोला जा मार सालों को, बोला नहीं तो रो। फिर आया मेरे पास, रंजीत उन्होंने मेरी सरगम को बर्बाद कर दिया, इज्जत लूटने की कोशिश की। सरगम को अपनी बीवी मानता है वो, बचपन में घर वाले रिश्ता भी करना चाहते थे, क्या करता, बहुत रोया। मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकता, काट डाला साले को, चीर के रख दिया। 56 वार किए, 56 सलब, बहुत कमीना था, खून भी काला था उसका। राज, क्या हुआ? तरंग बेकसूर है, वो बीमार है, उसका इलाज होना चाहिए, उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। राज उसकी जगह कालकोठरी में नहीं है,
वैसे भी बहुत बदनसीब है बेचारा, कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर सका, और सरगम भी कभी उसकी मोहब्बत को समझ नहीं सकी। मैं जानती हूं तुम्हारे लिए ये सुनना आसान नहीं है, लेकिन सच तो यही है, तरंग के रंजीत बनने में कुछ हद तक उसकी खामोश मोहब्बत का भी हाथ है।